व्लॉग। तो आप सभी को 14 रोज़ा मुबारक हो। और हम लोग की मॉर्निंग हो चुकी है कुछ इस तरह से, तो नीचे जा रहे हैं हम। आप लोग सोचते होंगे कि हम रोज़ सुबह सुबह उठते हैं और व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, वो भी कमरे का, कमरे के बाहर का, फिर हम नीचे आते हैं। हम इसलिए नीचे आते, पहले से ही माइंड आप लोग को सेट करते थे कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। और भी हम लोग का सारा काम पड़ा है, अभी कोई काम नहीं हुआ है। मुस्कान मेरे ख्याल से सो रही है। छिया मुस्कान, ए मुस्कान उठियो, 12:30 बजने वाला है, आज जुमा है। देखें आले देखें, नहीं 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 नहीं, आले देखें, आले देखें, आले देखें, आज जुमा है। देखे ये वो शक्ल तो दिखा दो एक बार, अरे एक बार, एक बार, अरे मालूम मुर्शिद भाई की याद आ रही है। अले बले बले ए बले बले बले, नहीं नहीं अच्छा। हम लोग जा रहे हैं अपना अपना काम करने, ये जा रही है मैडम किचन में और हम जा रहे हैं नीचे सफाई करने। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, एक ये करती है, एक दिन मैं करती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं सफाई करने। सफाई करने के बाद नहाएंगे, रेडी होंगे नमाज़ के लिए। और हाँ, आप सभी को जुमा मुबारक हो, पहले रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो। हमको नहीं मुबारक देनी है नहा के, हम नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो दे लेगी अपने फ़ोन से, ठीक है आप मेरे फ़ोन से बात करिए, वो आप जब उससे बात करेंगे तो वह आपको विश करेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट काम करने, काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे अकेडमी भी निकलना है। नीचे जा रही है, कंप्लीट। ये भी थोड़ा पोछा लगाए, गीला है। ये अम्मी का बिस्तर है। हम जा रहे हैं नहाने और नमाज की तैयारी करने। और मुस्कान देखिए क्या कर रही है ऊपर, मुस्कान क्या कर रही है, दोनों बच्चे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अगर किसी ने शैतानी करी पटक देंगे। अरे दादा, चाची गुस्से में है, चुप्पे लेटे है ना दोनों। अच्छी लग रही हो, जरूरत नहीं है लाइट ऑन करने की। अस्सलाम वालेकुम कौन करेगा, और दो सलाम कौन करेगा, अब बोलो जुमा मुबारक हो। अनु आप बोलिए, जुमा मुबारक हो, तो ले मैडम ये क्या कर रही है। वाओ, गैस साफ हो रही है, खाना पकाने तैयारी चल रही है। क्या खाओगे आज, तुम्हारा क्या दिल कर रहा है खाने का, ना करे भैया। अभी एक महीना कुछ नहीं दिल कर रहा। बर्तन देख सकते कितने सारे हैं, कितने बर्तन हैं। अभी मुस्कान उसको धोएगी। चलो भैया, बहुत टाइम हो गया, अभी हम जा रहे हैं नहाने। आपको जाना भी है? हाँ जाना भी है, और नमाज भी पढ़ने, ठीक है जा रहे, बाय बाय। हम लोग निकल चुके हैं अकेडमी के लिए और आज ही हमें छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। अरे अल्लाह, रोज़ा रख के चल नहीं पाते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, चश्मा लगा ले, फिर शूट करना। जलती है हमसे, बताओ कौन जलता है इनसे, बेइज्जती क्या। हम ऐसे ही हैं और आप अपने आप को देख लीजिए कैसे हैं, कैसे हैं, चश्मा चश्मा लगाए बैठे हैं, खूब बढ़िया सा। रोके क्या, तुम भी चश्मा लगाओ, बंदे बंदे लगेगा, चश्मा लगा ले, कुछ भी देख लीजिए, कितना नूरानी माशाल्लाह चेहरा है मेरा। एक रोजा रखने से नूरानी नहीं होती, एक नहीं चार माशाल्लाह, अभी चौथा ही, बाकी मेरे पूरे चल रहे रोजे।
कमेंट में बताना कि किसी किसके पूरे रोजे चल रहे हैं। तभी हम लोग जा रहे हैं एकेडमी। एकेडमी अब देखिए रास्ते में होती है कि एकेडमी में होती है कि घर पे, अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। बाकी मुस्कान घर पे देख रही है। वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो। और हमारी नमाज भी हो चुकी है और कुरान शरीफ भी हो चुकी है, पढ़ चुके हैं सब कुछ। और अभी अभी बस पढ़ के उठे हैं, बज रहा है दोपहर का 3 और बच्चे मेरे सो रहे हैं और एरिन अभी तो है ही नहीं, आपको तो मालूम है वो नहीं रहती, इसी वजह से थोड़ा सा हम शूट कर लेते हैं, बीच का आपसे बात कर लेते हैं। और घर में कोई भी नहीं है इस वक्त क्योंकि ये तो बाहर ही है, आप लोगों को बताइए। और 2 दिन हो गए हैं आज और एरिन अभी है नहीं, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है घर में, खाली अम्मी हैं, वो भी नीचे हैं, नमाज वमाज पढ़ रही हैं। अकेले थे तो हमने ये चटनी भी बनाई है आज, देख सकते हैं आप। हमने सोचा कि आज चटनी बना ले क्योंकि रोज़ चल रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था कि काम ही रहता था, कभी कोई काम कभी कोई, कल कपड़े धोने थे हमें तो टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला था तो हमने चटनी बना लिया। और अफ्तार भी बनानी है हमको, तो अभी थोड़ी देर में ही बनाना स्टार्ट करेंगे 4:30 बजे तक। तो आपसे मिलते हैं फिर मगरिब के बाद, जब एरिन अभी आ जाएंगी तब मिलते हैं आप लोगों से, अभी हमको थोड़ा काम है तो काम करने। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि टाइम मगरिब का करीब आ रहा है और हमने अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए कि कैसे स्टार्ट करी क्योंकि हम काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो आप देख सकते हो कि हम बना रहे हैं थोड़ी बहुत अफ्तारी। ये हमारी पकौड़ियाँ और ये हमारे चने, ये हमारी पकौड़ी और ये हमने बनाई थी जैसे इमली की चटनी तो उसका वो है, और ये इमली की चटनी थी जो हमने पलट दी है। और अभी हमको पापड़ वगैरह तलना बाकी है तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा रुक के बात करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलेंगे आपको रात में रोज़ा खोलने के बाद। फ्रेंड्स, रोज़ा खोलने के बाद हम लोग आए हैं बाहर। अनु क्या कर रहे हैं, आए हो बाहर? कौन चला रहा था? मम्मा। और बैठे थे अद्दू, बैठा था ये मुस्कान गई है स्कूटी चला के, दिखाते हैं ये देखो। और रात के 10 बजे ये भूत बन के चली आ रही है, बच्चे डर जाएंगे मोनी। ये देखे इन लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बच्चे। अरे देखो बिस्मिल्लाह लगी तो नहीं, देखो मुस्कान आती है सही सलामत आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रही है मुस्कान आने वाली है और का रिएक्शन देखिए क्या। वो देखो लाइट दिख रही है, ये आगे ही नहीं बढ़ी, आगे ही नहीं बढ़ी। आ बच्चों रुक जाओ, गाड़ी आ रही है। ये बिट्टी को बैठा के चलाएगी, कहीं लुढ़क ना जाऊंगा तो ये आ रही है, देर ना हो जाए कहीं। कैसा लगा आपको चला के की स्कूटी? क्या क्या लगा? चला पाई? नहीं। ए चला पाई? मजा आई? दिखा रहे चला के। ठीक है। प्रो। भाग नहीं रही है ये, इसको बता ऐसे करके रोकती है वो रुक नहीं रही, डायरेक्ट ब्रेक लेनी पड़ रही है वो। हाँ मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं, मेरी गाड़ी ऐसे करो तो रुक जाती है, हम जल्दी ब्रेक नहीं लेते उसमें। चलो बाय बाय, देखो ढेर ना हो जाना। आहन क्या बता, अरे इल्लू कितनी मजा। बस बारी खत्म, इनकी बारी चालू। तो आपको कैसा लग रहा है? किसको बैठाने जा रही सवारी? किसकी है? मोनी की। मोनी बैठो, मोनी का बहुत भैया और पीछे पीछे घोड़ा है क्या? मोनी हमको पकड़ती है, भाई वाली फीलिंग आ रही थी। चलो जाओ, अब उनको मम्मा चलाएगी तब तुम और हम बैठेंगे, भाभी चला लेंगी ना। गाइस बाय बाय। लोगों देख के लग रहा है आपको, इन लोग स्कूटी चला के अभी आके तुरंत बैठी हैं। ये अपने मियां से कर रही हैं चैटिंग, सहरी की तैयारी कर रही है कि खाने के लिए कुछ है नहीं, आप कुछ ऑर्डर कर दे, इसके इसको दाल इसके पेट से नहीं उतरती है, सॉरी हम मुंह से नहीं उतरती है, सब उतरता है। तो क्या ऑर्डर करवा रही, वही खाओ। तो सहरी में क्या खाओगी तुम? पिज्जा बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। और कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस शेयर करिए? मस्त एकदम,
मस्त लगा, मस्त मस्त। क्या किसान भाभी के साथ कैसा लगा, मेरे साथ कैसा लगा, कुछ रिव्यू दीजिए हम लोग की स्कूटी का। कब गिरी? तो फ्रेंड्स आज हम लोग को काफी मजा आई, रोजा खोलने के बाद गए। और आज पता है क्या हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ कि आज हम लोग साथ में रोजा ही नहीं खुल पाए क्योंकि मेरा रोजा रास्ते ही में खुल गया था। हम यहाँ पे पहुंचे 7 बजे और मुस्कान सब कुछ खा पी के समेट चुकी थी, मेरे लिए कुछ इसने रखा भी नहीं था। पापड़ रखी थे, गोबो रखी थी, पकौड़े की झुड़ बोल लेंगे। और हमने रास्ते से पानी की बॉटल ली, वहाँ पे रोजा खोला, अरे अल्लाह, हमने कल जल्दी से घर पहुंचे, जल्दी से घर पहुंचे, 7 बजे घर पहुंचे, इतना लेट हो गया था, बहुत ज्यादा थक गए। तो अब क्या करना है? तो गाइस इसी के साथ हम लोग आज कर रहे हैं ब्लॉग को एंड, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ 5वें रमजान में इंशाल्लाह। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, और दुआ में याद रखिएगा वापस। हाँ हाँ, मिट्टी के दांत देखिए, वाह वाह सिरी देवी।